वेरी गुड प्रियांशु, चलो ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस 14th में जो अपन ने पिछली क्लास में लिखा था, कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए 10 तरीके हैं। इसके अंदर फर्स्ट है डांसिंग रेजोनेंस। ये क्या होता है डांसिंग रेजोनेंस? CH2+। ये क्या होता है? देखो होता ये है, ये वाला जो कार्बो कटायन है, ये वाला कार्बो कटायन यहां से एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटता है, सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे 1 2 3, तो यहां सारा नेगेटिव चार्ज 1 पे आ जाएगा, 3 वाला टूट जाएगा, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे CH2 हो जाएगा। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, 1 पे पूरा नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन जाता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है, ये स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 और 2 में 2 और 1 वाला पूरा इलेक्ट्रॉन 1 ले ले और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, इसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस कार्बो कैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। देखो बेसिकली क्या है ना, ये जो रिंग है 3 मेंबर रिंग, ये हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, इस वजह से ये रिंग टूट जाती है, इस वजह से ये रिंग टूट जाती है। सो वी आर गेटिंग डांसिंग रेजोनेंस। ये शिवजी का तांडव पता है? शिवजी का तांडव, तो ऐसे ये शिवजी का तांडव होता है, डांसिंग रेजोनेंस। ये वाले फॉर्म से दिस इज वैलिड फॉर 3 मेंबर रिंग, वैलिड फॉर ओनली 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग के लिए ही ये वैलिड होता है। और ये टोटल कार्बन कितने हैं इस स्ट्रक्चर में? 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन्स इन द स्ट्रक्चर। टोटल हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर? टोटल 4 कार्बन्स आर देयर इन द स्ट्रक्चर। और जो रिंग के आउटसाइड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। कार्बो कैटायन इज आउटसाइड द 3 मेंबर, इज आउटसाइड द 3 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, दिस कार्बो कैटायन इज हाईली स्टेबल, दिस कार्बो कैटायन इज हाईली स्टेबल, दिस कार्बो कैटायन इज हाईली स्टेबल। क्लियर है सबको? चाप लो, डन लिख दो, और सिंपल सिंपल पार्ट डिस्कस करेंगे आज। जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर एसिड बेस स्टार्ट हो जाएगा। एसिड बेस में भी वही स्टेबिलिटी वाला फैक्टर ही है, एसिड बेस में भी सेम चीजें हैं। हो गया? अच्छा, आप स्टेबिलिटी कंपेयर करिए,
कार्बन प्लस है, कार्बन अच्छा रह गया था क्या? फटाफट डन लिखा करो यार। ये देख, ए बी सी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ए बी सी, इसमें तीन डांसिंग रेजोनेंस हो रहे, इसमें दो डांसिंग रेजोनेंस हो रहे, इसमें एक डांसिंग रेजोनेंस, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, मोर स्टेबल देन सी। क्लियर है इतना? हो गया। ऐसे सवाल आ सकते हैं डांसिंग रेजोनेंस पे। हाँ नेक्स्ट, हो गया होगा, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग देखा, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ये डांसिंग रेजोनेंस नहीं है, ये थ्री मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है उसमें प्लस, ये वाला है ये पार्ट ऑफ एरोमेटिक है। अच्छा दूसरा, जैसे ये अपन ने किया था, रुक जाओ, ये एरोमेटिक है, पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, सो स्टेबल है। ठीक है, सिमिलरली ये अपन ने किया था ऐसा, ये देखो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, तो दिस इज ऑल्सो स्टेबल। फिर थर्ड क्या देखा था, टाइम दूंगा, छापने का टाइम दूंगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट मतलब जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपके पास ये है CH3 O CH2+, ये ऐसा, अब क्या है इससे ये इलेक्ट्रॉन जा सकता, अगर ये इसका क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर, अगर लोन पेयर है ये सर, ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया, ये कार्बोकेटाइन जो है ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो गया। कैसे हुआ सर, लोन पेयर मिल गए, स्टेबल हो गया, पॉजिटिव चार्ज था, लोन पेयर मिला, स्टेबल हो गया ये कार्बोकेटाइन, प्लस एम इफेक्ट से। ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है।
यहाँ पे दिस इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसके वजह से स्टेबल है। ठीक है, ओके। अच्छा ये देखो, अगर मैंने ये चीज दे दी आपको, दिस इज सी एच टू प्लस, ये बताओ इसमें, चलो ये और दे दिया आपको ओ सी एच थ्री, ये स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये वाला पार्ट स्टेबल होगा कि नहीं होगा? ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कि नहीं होगा? कौन सा इफेक्ट लगेगा? ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। सर प्लस एम कैसे लगता है? देखो आपको पता है प्लस एम कौन कौन सी जगह पे लगता? प्लस एम लगता ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ये जो ये मेरा ग्रुप जो लगा हुआ है, इससे ऑर्थो ये है ऑर्थो एंड ये पैरा है, तो ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम इफेक्ट वैलिड रहता है। तो ध्यान से सुनना, इससे होगा क्या, ये अपन ने कर रखा है, मैंने सब बता रखा आपको। ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये सी एच टू प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे है यहाँ पे है, फिर क्या हो जाएगा, इस साइड से जाएगा, गलती से मैंने लिख दिया, इधर ये जो है इधर शिफ्ट होगा, ये जो है इधर शिफ्ट होगा, और यस, अब फिर ये इधर जाएगा, और जैसे ये इधर गया, यहां नेगेटिव, यहां सी एच टू पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये ओ सी एच थ्री, ये ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा सी एच टू। क्या समझ में आया? ऑर्थो और पैरा पे ये सीन रहता है, ऑर्थो और पैरा पे ये सीन रहता है, ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम की वजह से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा और ये पार्ट स्टेबल होगा। अच्छा अब मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया है, दिस इज सी एच टू प्लस और एक मेरे पास है ओ सी एच थ्री, इसमें ओ सी एच थ्री, बताओ कौन सा स्टेबल होगा, ए वाला कि बी वाला? रीजन के साथ में, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ऊपर वाली रिंग है, वो तीन बॉन्ड बनाने की जगह पे एक गोला बना दो,
तीन बॉन्ड बनाने की जगह पे एक गोला बना दो। वेरी गुड। रीजन भी लिखो और छाप लो इसको, छाप लो। ऐसे कुछ सवाल आते हैं आपको, बताओ कौन सा स्टेबल होगा। देखो इसका प्लस एम इफेक्ट है, इसका प्लस एम इफेक्ट नहीं है सर। क्या मजाक कर रहे, अभी ऊपर तो बताया आप। देखो ये जो OCH3 लगा है ना, इसके लिए ये दोनों ऑर्थो हो गए, इस ग्रुप के जस्ट बगल में ऑर्थो और ये पैरा। क्या ये कार्बो कैटायन पैरा पैरा है? हाँ। इसके लिए ये पॉजिटिव, सॉरी ये OCH3 के लिए ये ऑर्थो, ये ऑर्थो। पैरा कौन सा हुआ? क्या ये नेगेटिव चार्ज पैरा पे जाएगा? नहीं। ये कहाँ पे है? दिस इज मेटा। ये मेरा कार्बो कैटायन कहाँ लगा हुआ है? मेटा पे। तो मेटा पे प्लस एम इफेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, मेटा पे। देखो देखो ये कार्बो, ये OCH3 जो ग्रुप है ना, OCH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप से प्लस एम इफेक्ट इस कार्बो कैटायन पे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। द कार्बो कैटायन इज एट मेटा पोजिशन, इज एट मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू OCH3 इन एग्जाम्पल बी। तो उसका प्लस एम इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है। तो जो कार्बो कैटायन ऑर्थो पैरा पे है वही प्लस एम इफेक्ट से स्टेबल है, बाकी इसमें प्लस एम इफेक्ट नहीं है। तो सर इसका क्या इफेक्ट होगा? लगा हुआ है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होगा। बट सर इंडक्टिव इफेक्ट को क्यों नहीं लिया? अरे इंडक्टिव इफेक्ट लेने से फायदा क्या? क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग तो प्लस इफेक्ट, प्लस एम होता है, नहीं चमका नहीं है। क्योंकि बी वाले ऑप्शन में कार्बो कैटायन किस पे था? मेटा पोजीशन पे था, तो वो स्टेबल नहीं है प्लस एम से। बट हाँ ए में स्टेबल है। अभी देखो और प्रॉब्लम करते हैं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सारे प्रॉब्लम करेंगे अपन, एकदम रट जाएगा ये भी। ये मेटा पोजीशन कार्बो हो गया, डन लिखो। हो गया तो डन लिख दो। यार ये समझ में आ गया ना बेटा? ध्रुवी को समझ में आ गया? आप एक और देखो इसका आंसर और रीजन आप लिख के भेजेंगे। CH2 प्लस, एक सेकेंड ना, मैं बस आया। CH2 प्लस कौन स्टेबल है?
आणि रीजन पण द्या, ए की बी और क्यों। वेरी गुड, चमक रहा बच्चों को, वाह। देखो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा, यहां पे ये कितना है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, ये वाला ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे है तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। यहां पे मेटा पे प्लस एम इफेक्ट नहीं होता, प्लस एम इफेक्ट वैलिड only on ortho and para position। कहां पे वैलिड है, ortho और para position पे ही वैलिड है, ortho और para position पे ही वैलिड है, ortho and para position पे ही वैलिड है, ठीक है। अच्छा अब कुछ और सवाल करा था, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पुराने कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएंगे। ये CH2+ सेम है, ये CH2+ सेम है, यहां पे ग्रुप मैंने चेंज कर दिया, ये OCH3 है, OCH3, दिस इज OC(OCH3), यहां पे भी लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, ये ए है, ये बी है, आपसे पूछा है कौन स्टेबल हो, आपसे पूछा है विच वन वुड बी मोर स्टेबल, आपसे पूछा है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन देखो ध्यान से सुनना, ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए इज मोर स्टेबल देन बी, सर दोनों तो प्लस एम पे है, दोनों में प्लस एम शो हो रहा है, इसमें भी प्लस एम, इसमें भी प्लस एम, बट पंगा क्या हो रहा है, यहां पे ये चार्ज जो है लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ और सिर्फ इधर जाएगा, इधर क्या हो सकता, इस वाले में ऐसा हो सकता है ये CO- ये डबल बॉन्ड हो जाए, ध्यान से सुनो, यहां पे एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि जो लोन पेयर वाला था ना, ये वाला, ये A में तो सीधा सीधा रिंग में जाएगा, यहां पे क्या है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो ये यहां पे भी उचक सकता है, ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें छोटा सा बना देता CH2+ है, तो जो नीचे ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसके अंदर लोन पेयर जो है यहां आ सकते हैं और ये O- हो सकता, तो ये सीन पॉसिबल है, ये सीन पॉसिबल है, तो इस वाले में क्या है, इसमें काफी लोकलाइज्ड है, यहां पे क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर जो है इसके डीलोकलाइज्ड है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं है, टू बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो यहाँ पे अवेलेबल कम होगा, तो कंपैरिजन में ए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, यहाँ पे ए वाले में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, रीजन समझ में आया, लिखेंगे रीजन, लिखेंगे आपके लिए रीजन लिखाएंगे अपन, घबराओ नहीं, रीजन लिखाते बेटा, रीजन लिखाते हैं, घबराओ नहीं, पहले छाप लो उसके बाद डन लिख दो, एकदम इजी पार्ट है आपका, ये वाला पूरा हो गया है, प्लस है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है, अब जो सेक्शन चल रहा है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, अब ये जो पार्ट चल रहा है उसमें अपन
फाइंड करने का ट्राई कर रहे कौन सा स्टेबल कार्बोक्साइन होगा। तो जितने भी अपन ने इफेक्ट पढ़े थे वो सारे इफेक्ट लगा के देखता है। तो इसमें लिख लीजिए इन बी द लोन पेयर्स आर नॉट लोकलाइज्ड, आर नॉट लोकलाइज्ड। बी में ये लोकलाइज नहीं है, ठीक है, और डी लोकलाइज हो जा रहे, घूम रहे। दे कैन ट्रांसफर इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर क्या, इन ए द लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड। लोकलाइज मतलब वहीं पे रहना है उनको, वहीं पे रहना है। अब अपन लोग क्या हो गए लॉकडाउन में, लोकलाइज हो गए, यहीं पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं। लॉकडाउन खुलने दो, कोरोना खत्म होने दो, अपन डी लोकलाइज हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बर्थडे पार्टी एंजॉय मारेंगे, मूवी देखने जाएंगे, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई भी करेंगे इंस्टीट्यूट जाके। समझ में आया, ये स्टेटमेंट्स लिख लो। फिर कितने हो गए, चार हो गए, पांचवा देखो। कौन ज्यादा स्टेबल, दोनों में प्लस एम है, दोनों में प्लस एम है, दोनों में प्लस एम है, सबका आंसर आना चाहिए यार, ऊपर बताइए। दो तीन बच्चे रिप्लाई मारे, आंसर तो करो। ओके कार्तिक, ध्रुवी, साची, प्रेम, आदित्य, प्रियांशु, अमय, अमोक, कृष्णा, जिनाम, नमन, आयुष, कबीरा, एकदम सिंपल। ये रीजन क्या है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, यहाँ पे क्या है लोकलाइज्ड है, यहाँ पे क्या है डीलोकलाइज्ड, ये कैसा है, ये डीलोकलाइज्ड, ये कैसा है लोकलाइज्ड, ये कैसा है लोकलाइज्ड। छाप लो, अभी एक और एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे डीलोकलाइज है, टू वे जा सकता है यहाँ पे, ठीक है भाई, बार बार मत बोलना, अपनी जगह स्लाइड दिखाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, एकदम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब आपको ये चीज दे दे, अब तक तो बहुत बढ़िया था, ये बताओ। देखो दो चीजें दे दी आपको, NH2 भी दे दिया, NH2 भी दे दिया,
और दूसरा क्या दिया है, OH दे दिया, ये NH2 दे दिया, ये OH दे दिया। अब कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है? देखो जब लोन पेयर देगा ये, तो ऐसा कुछ बनेगा, मैं आगे फ्यूचर का बना रहा हूं आपके लिए, ये ऐसा कुछ बनेगा। यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे N, यहां पे जब आगे रेजोनेंस होगा और ये सब, ध्यान से सुनना, ये देखो ये बात समझ में आ रही क्या? वेरी गुड पियांशु, शाबाश, एकदम सही रीजन बताया। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, किस पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। उसे होता नहीं है, स्टेबल नहीं होता, बट वही एक कंपैरिजन किया जा रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये वाला अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, स्टेबल है तो ये ज्यादा स्टेबल, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा है। क्या बात क्लियर हो गई? रीजन समझ में आया क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल। तो बोले कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? दोनों में ही प्लस एम है, ये भी प्लस एम शो कर रहा, बाजू वाला भी प्लस एम शो कर रहा। हो गया इतना? ठीक है, सबने रीजन भी लिख लिया है। ओके, तो वी डिस्कस डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिक का पार्ट होना चाहिए कार्बोकैटायन, ये प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है। अब नेक्स्ट प्लस एम के बाद में कौन सा आता है? प्लस एच इफेक्ट। कौन आता है? प्लस एच इफेक्ट। तो ये वाला जो है बेंजीन अंडरस्टूड है, ये मेरे पास में कार्बोकैटायन है और यहाँ पे CH3 है, तो ये CH3 में क्या है, इसके पास में अल्फा एच 3 है। सर ये CH3 कैसे देखा? बेटा ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको थोड़ा सा वापस से बना लू, ऐसा बना रखा है, अगर रिवाइज करते हो तो कुछ भी पंगा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, अल्केन है, इस पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के 3 अल्फा एच, तो इसके अंदर प्लस एच इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, प्लस एच इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड, प्लस एच इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड, दैट्स फाइन। अच्छा नेक्स्ट ये बताओ, देखते कितने बच्चे बता पाते। CH3 प्लस एच इफेक्ट शो करता, ये है और ये है, कौन ज्यादा स्टेबल है?
ए स्टेबल है कि बी स्टेबल है विथ रीजन, विथ रीजन, विथ रीजन, क्या रीजन है? एकदम सिंपल है, पुरानी चीजें रिपीट हो रही। वेरी गुड गार्गी, प्रियांशु ने कुछ भेजा, कबीरा, अरे कबीरा थ्री है तो क्या करेगा? ये देखो, ये जो है कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है, दिस इज अ पैरा पोजिशन। कौन सी पोजिशन पे? पैरा पे। ये इधर वाला किस पे है? मेटा पोजिशन पे। किस पे है? मेटा पे है। ठीक है, तो इस पे प्लस एच लगेगा। क्यों? प्लस एच बी प्लस एच इज वैलिड एट ऑर्थो आणी पैरा। ये वाला मेटा पे, मेटा पर नो प्लस एच। तो सर इसमें क्या होगा? इसमें प्लस एच नहीं होगा। सर फिर क्या होता है इसके अंदर? इंडक्टिव इफेक्ट। याद करो, प्लस एच इफेक्ट ऑफ सी एच थ्री अल्काइल ग्रुप, प्लस एच होगा और यहाँ सॉरी सॉरी प्लस एच नहीं होगा, प्लस आई होगा, इस पे प्लस एच होगा, तो ए इज पॉजिटिव। बोलो यार, एकदम सिंपल सिंपल चीजें करा रहा मैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चाहिए आज का लेक्चर, वापस से सारे प्रॉब्लम्स देखना, आज के लेक्चर के वापस सारे प्रॉब्लम्स देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, प्लस एच बताओ कौन सा स्टेबल कार्बोकेटायन है। हो गया, डन, लिखो। प्लस एच इज वैलिड एट ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पर नो प्लस एच। यहाँ पे ये मेटा पे है तो इस पे प्लस एच नहीं लग रहा, सिर्फ प्लस आई है, तो प्लस एच वाला ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकंड प्रॉब्लम, रीजन के साथ में ए बी सी, रीजन के साथ में।
एक ही रीजन है, पहले भी मैंने करा रखा था ये, इसमें अल्फा एच तीन, इसमें अल्फा एच सॉरी अल्फा एच दो, इसमें अल्फा एच एक, तो सबसे ज्यादा ए कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, जनता क्लियर है क्या? और मान लो ये भी दे देता, मान लो ऐसे चार बना के दे देता आपको, ऐसे दे देता, ध्यान से सुनना ऐसे दे देता डी, आप बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, इसमें प्लस एच, इसमें प्लस एच, इसमें प्लस एच, इसमें क्या लगेगा, प्लस एम, क्या लगेगा, प्लस एम, डी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हे राम हे राम, समझ में आ गया, शाबाश शाबाश, तो इंटररिलेट कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। अच्छा अभी आगे बढ़ रहा हूं, ये बना लेना चाहिए तो बना लेना, प्लस एम इफेक्ट है भैया, ऑर्डर में आपने प्लस एम पहले बताया था, हाँ प्लस एम याद है क्या, रिया या माही, एम इफेक्ट ज्यादा, फिर एच, प्लस एम क्या करता है, प्लस एम इलेक्ट्रॉन देता, इसके जो स्टेबलाइज कराता। अच्छा ये बताओ, ये मैंने डिस्कस कर रखा है देन टू, एक बार ऐसे ही इच्छा हो रही है कि वापस पूछा जाए आपसे, ए प्लस एच में अपन ने डिस्कस किया था, जस्ट रिकैप के लिए, सी एच थ्री, सी डी थ्री, सी टी सॉरी सी टी थ्री, सी टी थ्री, सी टी थ्री, बताओ कौन स्टेबल, आणि काइको स्टेबल, काइको स्टेबल ये भी बताओ, कौन सा इफेक्ट से स्टेबल है ये लोग, इनमें सी एच थ्री में प्लस आई भी होता है, प्लस एच भी होता है, गार्गी गलत बता दी तुम, नहीं गार्गी का सही है, गार्गी का सही है, ऑर्डर मैंने अलग देख लिया, सही है, श्रेया का सही है, गार्गी का भी सही है, निकुंज का भी सही, कुंज का भी सही है, कशिश का भी सही है, प्रियांशु शाह शाह का गलत है भाई, बताया तो था मैंने प्लस एच में, रिवाइज नहीं करोगे ना केमिस्ट्री माँ कसम बहुत ज्यादा हार्ड लगेगी, क्या बोलते वेदांत, समझ में आ रहा वेदांत, हाँ कैमरा चालू हो गया तुम्हारा, सो ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए कौन ये कार्तिके तब पकड़ पकड़ के मारना है, इसमें भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच, इसका भी प्लस एच, प्लस एच किसका ज्यादा होता था, प्लस एच ज्यादा होता था सी एच थ्री का, फिर होता था सी डी थ्री का, फिर क्या होता था सी डी थ्री का, ये प्लस एच इफेक्ट है, क्या है प्लस एच इफेक्ट, फिर प्लस आई किसमें, प्लस आई किसमें, सी डी थ्री, सी डी थ्री, फिर सी एच थ्री, समझ में आ रही है, प्लस आई इसका ज्यादा होता है, कराया था मैंने प्रॉब्लम, प्लस एच सी एच थ्री का ज्यादा होता है कंपेयर टू सी डी थ्री, सी डी थ्री, और ये वाला प्लस आई इसका ज्यादा होता है,
क्लियर है इतना? अब इसका बता दो, ये मैंने कराया है देन टू, आप बताइए। बताइए ए बी सी कौन सा इफेक्ट होगा और कौन ज्यादा स्टेबल? देखो मैं सिर्फ कार्बो कटायन ढंग से डिस्कस करूंगा, बाकी प्री जो प्री रेडिकल है और एनायन में डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक चीज उस पर डिस्कस नहीं कराऊंगा। देखो नो प्लस एच इफेक्ट सर काइको, कोई अल्फा एच नहीं है, कोई अल्फा एच नहीं है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा इसमें? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा CT3 का होता है, तो सी सबसे ज्यादा, देन बी, फिर ए, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये क्या है? प्लस आई इफेक्ट। हेलो, पुढ़े जाओ का डांसिंग रेजोनेंस पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, फिर प्लस एम, फिर प्लस एच और नेक्स्ट है, कितना नंबर हो गया है? पांचवा नंबर क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट मेरे कार्बोकैटायन को स्टेबल करता है। तो आपके पास में ये है CH3 है, आपके पास में CF3 है, आपके पास में तीन CH3 है, ये H को गायब कर देंगे, रुक जाओ, विथ वन इज मोर थेबल। ये बी सी ए बी सी देखो इसके बाद प्लस आई इफेक्ट, ना प्लस एम लग रहा ना एरोमेटिक का पार्ट, ठीक है, तो इसके दो, इस पे तीन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, सी फिर बी फिर ए, सी फिर बी प्लस ए, सी बी और ए, सी बी और ए, ठीक है, इतना पार्ट क्लियर? प्लस आई के बहुत अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है, याद करो पुराना जमाना जब लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पे बहुत डिस्कशन किया था। अब छठे नंबर पे
हाइब्रिडाइजेशन अगर कंपैरिजन दे आपको कि बताओ किस पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब सी एच टू है आपके पास में, ये ट्रिपल बॉन्ड है मान लो आपके पास में, और इसका एक एच ज्यादा कर दिया मैंने, एक एच ज्यादा कर दिया पॉजिटिव, ठीक है, और आपके पास में ये, आपको बोले कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ए बी सी। मुन्ना ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से समझो। देखो ये जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये क्या होगा sp2 होगा। चलो मैं a और b को ही कंपेयर करता हूं, इसमें तो वही है प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखते हैं sp कार्बन की ज्यादा होगी कंपेयर टू sp2, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पे ये कार्बोकैटायन बना, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये अनस्टेबलाइज, मतलब कंपैरिजन में b ज्यादा स्टेबल है और c सबसे ज्यादा स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इसका प्लस, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत है, मैनेज कर लेना। तो कौन ज्यादा स्टेबल, सी सबसे ज्यादा, फिर बी फिर ए, सी फिर बी फिर ए, सी बी और फिर ए, सी बी फिर ए, देर इतना पार्ट समझ में आया। छाप लिया, ठेंगा दे दो, किसी का पीछे का स्लाइड रह गया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या स्क्रीनशॉट लेना था यार, इतना समय दे दिया। हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा अब स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स सारे कंप्लीट हो गए, अब डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स अपन देख रहे हैं, जैसे माइनस आई इफेक्ट, क्या है बेटा माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, एक मेरे पास में CH3 CH2 प्लस है,
ठीक है, एक मेरे पास में ये कैसा दे दूं, ध्यान से सुनना, एक मेरे पास में ये है और दूसरा लेट से आपको मैंने, अच्छा कोई कोई भी एक डिसेंट सा ग्रुप बताओ, जैसे CH2+ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ, ठीक है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, CH3 प्लस आई मतलब इसको इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या है, ये माइनस आई है, माइनस आई क्या कर रहा, देखो देखो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन नीड है, इसको भी इलेक्ट्रॉन नीड है। अब ये एकदम छोटा आदमी है फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन हड़प और लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन हड़प ले रहा है, तो कौन डिस्टेबलाइज करा रहा है, माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करा रहा है, प्लस आई क्या कर रहा है स्टेबलाइज करा रहा है। तो माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा, दिस इज माइनस आई इफेक्ट, दिस इज माइनस आई, दिस इज प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं कार्बोकैटायन को, ये CH3 सप्लाई मार रहा था, ये फ्लोरीन उसको छीन रहा है, समझ में आया इतना। अरे क्लियर है, माइनस आई इफेक्ट डी स्टेबलाइजेस दी कार्बोकेटाइन। तो जैसे ही माइनस आई इफेक्ट दिखा आपका डी स्टेबलाइज हो गया, जैसे ही माइनस आई इफेक्ट देखा आपका कार्बन क्या हो जाएगा डी स्टेबलाइज, कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा डी स्टेबलाइज हो जाएगा। हो गया डन मारो, हो गया डन मारो, फटाफट खत्म करते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते। बस मैंने एक एक इंडिविजुअल डिस्कस कर दिए, फ्री रेडिकल में इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को। अच्छा अब माइनस एच इफेक्ट तो आपको पता ही था। अच्छा मेरे पास में सेम पुराना वाला ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ओके रह गया तो फटाफट सब, फटाफट सब। ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे CCl3 है, तो हाँ ये और देख लो, यहाँ पे CCl3 ध्यान से देखो, इसका ABC, इसका ए का कौन सा इफेक्ट है, ए का कौन सा इफेक्ट है, CH3 का शर्मा प्लस एच, CH3+H, CCl3 का माइनस एच, क्या पैरा पे है, हाँ पैरा पे है और तो पैरा पे है, ये क्या है इसका माइनस एच इफेक्ट नहीं है, क्यों सर, मेटा पे है ये मेटा पे है तो माइनस एच नहीं है इसका, तो सर क्या होगा इसका माइनस आई होगा, क्या होगा माइनस आई, देखो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अगर इसे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए सबसे ज्यादा, फिर सी,
लीस्ट बी क्यों माइनस एच, क्यों माइनस एच है। ये मेटा पोजीशन पे है इसके वजह से। बेटा जिसको पुरानी चीजें याद नहीं है, जिसको माइनस आई प्लस एम याद ही नहीं है, उसके लिए एकदम सन्नाटा याद के भगवान क्या हो गया, क्या पढ़ा रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। मैं कई लोगों को फोन करके भी बताया हूँ कि भाई प्लीज कम से कम एक डेढ़ घंटा केमिस्ट्री को रोज रिवाइज करो, तब जाके इजी लगेगा। अब जिस बच्चे को ये जीओसी नहीं आता, मान लो रिएक्शन तो आना ही नहीं है, जिस बच्चे को ये चीज नहीं आती ना, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आती, उस बच्चे को रिएक्शन बिल्कुल नहीं आएगी। हो गया इतना ओके। अभी भी अगर नहीं आता जीओसी आज जाके पढ़ लेना वापस से, डे वन से जीओसी पढ़ना है। अच्छा अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दे दे, CCL3 CCS3 बताओ कौन स्टेबल और इफेक्ट बताओ, किस इफेक्ट की वजह से स्टेबल है, बताओ किस इफेक्ट की वजह से स्टेबल है। गार्गी गलत कर दिया, पुरानी चीजें याद करो। आज सारे बच्चे पूरा जीओसी पढ़ेंगे, मैसेज करेंगे, ये देखो देर इज नो माइनस एच, देर इज नो प्लस एच, काइको सर भैया ये तो मेटा पे है, ये क्या है मेटा पे, तो फिर क्या इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। CCL3 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। इसका क्या होता है, CH3 दानवीर है तो उसका प्लस आई, इसका माइनस आई, माइनस आई डिस्टेबलाइज करा था तो बी इज मोर स्टेबल देन है बिकॉज ऑफ इसका CH3 क्या करता है प्लस, ये क्या करता है छीनता। इतना क्लियर है, छाप लो फटाफट इसको, छाप लो फटाफट। छाप लिया ना, ओके। अब जो भी नंबर है माइनस आर इफेक्ट भी आता है, तो ये चीज दे दी आपको CH2+ ये ऐसा है C=OH। या
यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, माइनस एम इफेक्ट, तो डी स्टेबलाइज। ये क्या होगा, डी स्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ये क्वेश्चन करो, ऑर्डर बताओ, क्वेश्चन है ए बी सी, तीनों में इफेक्ट बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है वो बताओ। तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है वो बताओ और इफेक्ट बताओ। वेरी गुड प्रियांशु, पूरा वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसमें होता है माइनस है, इसमें होता है प्लस एच, इसमें होता है माइनस एच। सबसे स्टेबल बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। पास हो गया, हो गया। और एबीसी कैसे हो गया भाई, माइनस एम, माइनस एम क्या होता बेटा, विदुषी डी स्टेबलाइज करा था। सबसे स्टेबल ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, जिसपे प्लस प्लस इफेक्ट आ रहा हो, जिसपे प्लस इफेक्ट आता वो ज्यादा स्टेबल होता। जिसके माइनस आ गया वो डिस्टेबलाइज करा जाता। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन करा था, माइनस है, तो इसकी वजह से लीस्ट स्टेबल। इस पे माइनस है, इस पे माइनस एच, माइनस एच भी डिस्टेबलाइज करा। ये क्या है, ये प्लस एच। क्लियर है इतना, ठीक है। यहां तक बेटा क्लियर है, लास्ट 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 पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है तो हाईली डिस्टेबलाइज है। जैसे ये डिस्टेबलाइज, दिस इज हाईली डिस्टेबलाइज, दिस इज हाईली डिस्टेबलाइज। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना,
अरे आवाज आ रही है ना, ये डिस्टेबलाइज है, 4π इलेक्ट्रॉन्स है, 4π इलेक्ट्रॉन्स है तो डिस्टेबलाइज है। डिंग 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 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन करें, मिक्स्ड है, आपको बस मिक्स क्वेश्चन बताने, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये बताओ, स्टेबिलिटी कंपेयर करना, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विद पर्टिकुलर रीजंस, ये दे दे आपको। ए बी सी कौन स्टेबल और क्यों स्टेबल? एक एक बच्चे से पूछते हैं। क्यों स्टेबल ये भी बताना है। अमोक बता बेटा, इफेक्ट भी बताओ। एक और दे दें क्या? हेलो, अब बताओ, चार दे दिए, चार दे दिए, ऑर्डर बताओ, चार दे दिए, ऑर्डर बताओ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए, कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सा सबसे कम? चार, एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया, एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया। एक और एग्जाम्पल ऐड कर दिया, सोचो सोचो सोचो। अमोक किधर है? अमोक माइक ऑन करो बेटा। Yes, sir. बताओ पहले में कौन सा इफेक्ट है? ए में कुछ भी नहीं है, बी में एरोमेटिक, पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, पार्ट ऑफ एरोमेटिक, सी में सर प्लस एम, प्लस एम, शाबाश। ये वाला सर एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक सबसे स्टेबल और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक वाला लीस्ट स्टेबल। एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक वाला लीस्ट स्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आई वैसा ही नहीं है, ए रेजोनेंस में जाएगा, ए रेजोनेंस में जाएगा भाई। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सिंगल डबल, ये रिंग में घूम सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये स्टेबल होता, स्टेबल होता क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता, ये भी घूमेगा तो जरूर। तो सबसे ज्यादा ये वाला, क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को एक प्लस एम इफेक्ट मिल, सॉरी सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर सी, फिर ए, फिर डी। इसका क्या है? एरोमेटिक। इसका क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो बाउंड्री केसेस तो आ गए, इसमें क्या है? प्लस एम, इसमें क्या है? रेजोनेंस, मतलब वो चार्ज क्या है? घूमता रहता है, वो चार्ज जो है घूमेगा। क्लियर है क्या ये बेटा? रीजन समझ में आया?
बेटा प्लस एम से भी ज्यादा एरोमेटिक होता है, तो बी सबसे ज्यादा। जिन जिन के बच्चों के गलत आए हैं क्या क्लियर है उनको? एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में, एरोमेटिक सबसे पहले। अब इसमें ए और सी में मैनेज करना था, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा, इसमें भी रेजोनेंस तो हो ही रहा, बट यहां से इस लोन पेयर की वजह से चीजें बिगड़ जाती। वाह सन्मुख का सही निकला, साची समझ में आया राधा, कशिश, ध्रुवी, वेद, सुजल, श्रावणी, शर्वरी, श्रिया, सन्मुख, सौरभ, सार्थक, समृद्धि, ऐसे बहुत लोग हैं यार। ओके तो ये थोड़ा सा अच्छा तगड़ा प्रॉब्लम था, सॉल्व करके अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट बस फिर ये पार्ट कंप्लीट कर। बताओ ए बी सी रीजन के साथ। आदित्य जोशी इफेक्ट बताओ, कौन कौन सा इफेक्ट होगा? आराम से और पूरे ऑर्डर्स रिवाइज करो, रीजन लिखो। आदित्य माइक ऑन करो, आदित्य
आदित्य yes, हाँ बेटा पहले वाले बताओ क्या इफेक्ट है सब प्लस एच प्लस एच कितने अल्फा एच है कितने अल्फा एच है अरे देखो ये कार्बन इसे सी एच थ्री जुड़ा हुआ है ये सी एच थ्री ऊपर एक है तो इसके चार बॉन्ड है चारों बॉन्ड कंप्लीट तो अल्फा एच जीरो आदित्य बेटा चमका क्या यस सर अल्फा एच जीरो तो प्लस एच हो नहीं सकता तो क्या होगा सी एच थ्री लगे हुए ना ये सारे सी एच थ्री है सारे सी एच थ्री है तो क्या इफेक्ट आएगा प्लस आई नहीं चमक रहा क्या ए स्क्वायर आदित्य आदित्य यस सर प्लस आई इफेक्ट आएगा बेटा हाँ सर सेकेंड वाले में माइनस एम माइनस एम माइनस एम कैसे पता करते हैं बेटा सर सीके मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसे नेबरिंग में डबल बॉन्ड होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कार्बन जुड़ा हुआ है उसे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन से फिर ये वाले में ये प्लस एम प्लस एम तो सबसे ज्यादा सी फिर कौन ए फिर कौन बी ओ भाई साहब हो गया क्या समझ में आया सभी को यही ऑर्डर आया सभी बच्चों को यही ऑर्डर आया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ओके अब कार्बोकेटाइन खत्म फ्री रेडिकल के सिर्फ प्रॉब्लम करा के अपन वाइंड अप मार देंगे इसको फ्री रेडिकल में क्या होता था बहुत पहले बताया था मैंने हाइब्रिडाइजेशन सब बता रखे ना मैंने इसमें स्ट्रक्चर बताया था इसका ये एक इलेक्ट्रॉन रहता तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर ऑर्डर क्या है इसका ध्यान से देखो इस चीज का ऑर्डर क्या है सबसे ज्यादा देखो इसको क्या चाहिए ये हाफ फील्ड है इसको इलेक्ट्रॉन दे दो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है ये कैसा है दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल ये कैसा है बताया था मैंने तो इसके अंदर देखो डांसिंग रेजोनेंस हो नहीं सकता ना ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन सकता इसमें क्यों क्योंकि ना 4π मिलेगा ना 4π प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन्स है ना तो इसके अंदर ऑर्डर होता है प्लस एम फिर क्या होता है प्लस एच फिर क्या होता है प्लस आई ये स्टेबलाइजिंग फिर डिस्टेबलाइजिंग कौन से माइनस आई फिर कौन सा माइनस एच फिर कौन सा माइनस आई ये ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एक हाइब्रिडाइजेशन आना है वो भी देख लेंगे अच्छा आपसे ये चीज बोले क्वेश्चन करते हैं फटाफट लिखो इसको फिर क्वेश्चन देखो ये आपके पास ऐसा है CH2 अरे यार सॉरी एक मिस्टेक हो गई एक कार्बोकेटाइन था ना कार्बोकेटाइन की जगह पे आप ये ले आओ डॉट बिंदिया डॉट का मतलब प्री रेडिकल डॉट का मतलब
फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल? रीजन विद रीजन प्लस एम प्लस एच प्लस आई माइनस एम, इसमें कोई एरोमेटिसिटी नहीं होती, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होते, डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता, इसका इफेक्ट है प्लस एम, इसका है सी एच थ्री का प्लस एच, तो ए ज्यादा स्टेबल है बी से। क्लियर है? अब वही जो प्रॉब्लम किए थे, कार्बोकेटायन की जगह पे फ्री डॉट बिंदिया रिप्लेस हो जाएगी, जो भी पहले किए थे सारे डिट्टो के डिट्टो वही चीजें रिपीट मार दी, जो अपन ने पहले किया वही यहाँ पे रिपीट मारना है, कुछ भी नई चीज नहीं है यहाँ पे। There is nothing new. जो भी है सब कुछ कार्बो कैटायन, नोट करके लिख लें कार्बो कैटायन से एकदम सिमिलर है, कार्बो कैटायन से एकदम सिमिलर है, कोई झंझट की कोई परेशानी की बात नहीं है। कार्बोकैटायन जैसा ही है बस प्रॉब्लम, चलो ये प्रॉब्लम पहले भी कर रखा है, अब बताओ जरा। कौन स्टेबल है? थोड़ा सा अच्छे से बना देता उसको। ए और बी विच इज मोर स्टेबल? क्यों? इसके अंदर एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा, इसके अंदर क्या हो रहा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा। क्या ये क्लियर है? अच्छा आपको ये दे दे CH2 CH डॉट, ठीक है, और आपको ये दे दे CH डॉट CH3 CH2 डॉट, ए बी सी कौन स्टेबल? ए बी सी अभी थोड़ी देर पहले किया था। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग यार, गलत बता रहे, ये अब थोड़ी देर पहले किया था ना, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, हाइब्रिडाइजेशन देखो, एसपी हाइब्रिडाइज, एसपी टू हाइब्रिडाइज, ये तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है इसका, इसका प्लस आई इफेक्ट, सी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर बी, बी लीस्ट स्टेबल, व्हाई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करता ज्यादा। क्लियर है? सब कोई रीजन चमका?
यहाँ तक का रीजन सभी को चमक गया। तो फ्री रेडिकल मान लो खत्म, क्योंकि कार्बोकैटायन कर लिया है ना, कार्बोकैटायन कर लिया है, तो बस जहां पे पॉजिटिव चार्ज था वहां पे मैं अभी इसको क्या कर रहा, नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस मार रहा, नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस मार रहा। अच्छा ठीक है, तो एक प्रॉब्लम था वो मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से समझाता, ध्यान से देखना। ठीक है यहां तक कंप्लीट, ठीक है आज यहीं तक रखते हैं, कार्बेनायन है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड बेस अपन स्टार्ट कर देंगे वापस, एसिड बेस ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके अपन एसिड बेस स्टार्ट कर देंगे, फिर वो नेक्स्ट सेशन है खत्म हो जाएगा। फिर आज का पार्ट क्लियर है क्या, आज का पार्ट क्लियर है? व्हाट्सएप कर दो और जो भी नोट्स हैं इसके सेंड कर दो, आज का पार्ट क्लियर है तो व्हाट्सएप कर दो, जो भी नोट्स है वो सेंड कर दीजिए। और अच्छे से इसको रिकैप करना है आपको, जो भी पढ़ाया गया है ना बेटा भूल जाओगे, तो प्लीज डे वन से रिवाइज करो, आप डे वन से जीओसी रिवाइज करो, है इजी, काफी इजी है, व्हाट्सएप कर दो। ये देखो हाँ बेटा बता रहा, आपका बता रहा, आप तो अलग बता रहे। देखो ये वाला पार्ट था ना, अगर आपको बोले किन में से कौन स्टेबल, स्टेबल मतलब वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है लोन पेयर वाले, ये सॉरी ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से घूम सके, अगर ऐसे स्टेबिलिटी पूछा जाए तो इसके अंदर तो नो डीलोकलाइजेशन, इसके अंदर कोई डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई अल्फा एच तो नहीं है, बस ये ग्रुप है मेरे पास, ये ग्रुप है, क्या है ये ग्रुप है, इसका एक मैं सोच सकता हूं प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसका मैं ये सोच सकता इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट CH3 CH3 है ना, अल्फा एच जरूर नहीं हो बट इसका डोनेटिंग नेचर होता है, डोनेटिंग नेचर होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये थोड़ी सी स्टेबलाइज हो सकती है, यही रीजन है। इसमें तो ये तो आउट ऑफ प्लेन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बंद गए तो बंद गए, ये इलेक्ट्रॉन अगर बंद गए तो बंद गए, इसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, इसमें ये जो ग्रुप है इसकी वजह से थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, आज के नोट्स व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई इफेक्ट नहीं होगा ए में, कोई इफेक्ट नहीं होगा
ए में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए में कोई इफेक्ट नहीं होगा। गार्गी ने कौन सा भेजा? अच्छा गार्गी वो जो है ना थायोफीन पायरोल प्यूरान पिरिडीन, बेटा ये जो है ना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तब मैं आपको उसके अंदर ये जो जितने भी हैं ये नाम है ना फ्यूरान पिरिडीन, ये अपन करेंगे उस समय पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, इनका स्ट्रक्चर वक्चर आपको नाम से अच्छे से पता चल जाएगा। अब आपको नाम पता है बट स्ट्रक्चर नहीं पता ना गार्गी, उसमें नाम पता है आपको, सॉरी नाम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर जरूरी है उसके अंदर, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। एक है चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो उसके अंदर अपन सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, इनमें सब में नाइट्रोजन होता है पायरोल वायरोल में, अपन उस समय डिस्कस करेंगे। ओके सर, नहीं तो ऐसे चाहो तो तुम नेट पे सर्च मार सकते हो कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, वही उसमें बेसिक कैरेक्टर सब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, अच्छा चैप्टर है, वेटेज अच्छा है इसका, ठीक है। और चलो ठीक है फिर लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मैं डीपीपी और सेंड कर दूंगा आपको, डीपीपी और सेंड कर रहा हूँ, इनको ट्राई मारें। ओके बेटा, बाय बाय।